आएंगे तो क्या, वो तो सब मिले जुले हैं, जिसको पैसे के जिसको बोल दो ऐसे हो गया, थाने में आके मिल लो, फलाने जगह मिल लो। सोच रहा हूँ उस टाइम मेरा बच्चा साथ पास में होता और उसको निकलते हुए उसको लग के जाती तो मैं किसको किसको पकड़ता। उसको ऐसे किए कि लगे कि ये दारू पी रखा है, उसका सारा छीने अगले को देखे, अगला भाग गया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हिसाब किताब नहीं देखा जो आज हो रहा है, इतने लूटमार, इतना क्राइम, कोई कहने की हद नहीं। करेगी तो अब कौन करेगा? कोई भी नहीं, रिश्वत चलेगी बस वही करेगी और कुछ नहीं। और कुछ बस आप नशा बंद करवाने के लिए पैसे दीजिए और वो नशा चालू रखने के लिए पैसा देंगे, बस उसने ज्यादा दे दिया तो। यहाँ पे छीना छीनी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आए दिन बहुत सारे केसेस देखा जा रहा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तो उनके लिए लड़कियाँ बहुत एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, मगर वो इसलिए घर में बैठ जाती है क्योंकि उनके साथ उन्हें ये डर रहता है कि रेप हो रहा है आजकल। और जब आती हैं तो इनके दिल के ऊपर में उस रेलवे फाटक से लेकर के और जब तक लोग इनको नजर नहीं आ जाते तब तक इनके दिल के ऊपर में क्या गुजरती होगी, इसको बोलिए। और जो भी है पुलिस, जब तक यहाँ मर्डर हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है यहाँ पे, जबकि सारा कांड खत्म हो चुका होता है। भगा दिया गया घर से, घर में हम रह नहीं रहे, हमें मार के भगाया गया वहाँ से, मैं रहने के काबिल नहीं हूँ। दिल्ली में काम धंधा करने के लिए, दिल्ली में काम धंधा करने के लिए आए हैं कि जी चलो हम काम धंधा करेंगे, चार पैसे अच्छे मिलेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे, जो जीवन जिस जीवन की आशा ये रख के बैठे हैं। हमारे साथ में भाई साहब जी जुड़े हैं। भाई साहब जी, जिस तरीके से क्राइम की व्यवस्था पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को अब जो है अपने कदम उठाने चाहिए? नहीं, वो तो वो उठाएंगे तो क्या, वो तो सब मिले जुले हैं, जिसको पैसे के जिसको बोल दो ऐसे हो गया, थाने में आके मिल लो, फलानी जगह मिल लो, एक दिन का टाइम दो, ऐसे लास्ट टाइम अरे यहाँ के नाम लूंगा, एक बंदे से बात हुई यहीं का प्रशासनिक अधिकारी यहाँ का, उसको बोला कह रहे चाचा मेरे को, भाई साहब मेरे को 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन में साफ साफ कर दूंगा, 3 दिन में साफ होगा, 3 दिन के बाद में 4 दिन बाद में फिर यही कुछ, 5 दिन बाद में फिर कुछ। आज भी जब मैं ऑफिस से आया हुआ मैं सोच रहा हूँ उस टाइम मेरा बच्चा साथ पास में होता और उसको निकलते हुए उसको लग के जाती तो मैं किसको किसको पकड़ता। समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, क्यों कैसे कैसे है ये, आप देखो मेरे कपड़े पूरे भरे हुए हैं, दिखा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, ये ब्लड से पूरा इनका कपड़ा जो है वो पूरा भरा पड़ा हुआ है, पड़ा है। कहीं ना कहीं इनको भी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इनके परिवार वालों को भी, हो सकता है कि आज इस परिवार की बजाय कोई दूसरा परिवार होता, तीसरा परिवार होता, या यूं कहूं प्रशासनिक अधिकारी का परिवार होता तो क्या उसको वो चाकू नहीं लगता? लगता। और ये प्रशासनिक अधिकारी को ये समझना पड़ेगा, गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई सर, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी को लगता ना तो लोग हमारे को ले जाते तुमने मारा है, अब हमारे लगे तो हम जाकर ढूंढो किसको, अब हम किसको मारे, किसको पकड़ने जाएं। हाँ। कितने दिन हो गए यहाँ पर बहुत इनलीगली काम हो रहे हैं और कई लगातार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले 12 नंबर गली अभी जो फर्स्ट लॉकडाउन में था, पूरी फैक्ट्री वाले को पूरे मेंबर को मारा था, लड़की ने पिता को संभाल रहा था और पूरे होली के टाइम की बात है, पूरे होली लॉकडाउन के अंदर, हाँ लॉकडाउन के अंदर, उस समय मीडिया कहाँ थी, प्रेस कहाँ था, कोई नहीं, वो था, ये सब बहुत हाई लेवल के बंदे हैं, बहुत हाई लेवल के बंदे हैं, इनको बस मिट्टी में मिलाने के लिए एक ही बंदा चाहिए, वो शेयर नहीं करूंगा, बाकी सारे बंदे जा रहे हैं। क्या आपका इशारा कहाँ तक है बता दीजिए आप? मैं इशारा कहीं नहीं है मेरा, इशारा कहीं नहीं है, सीधा जो आए ना भैया पब्लिक के हवाले करो, इसका लेन देन वही करे। अभी 10 दिन पहले यही रेलवे ट्रैक पे बंदा जा रहा था, 4 बंदे आए उसको अगले पे, आओ भाई ठीक हो, उसको ऐसे पकड़ा, गिरा दिया मेरे आंखों के सामने, गिरा दिया और उसको ऐसे किए कि लगे कि ये दारू पी रखा है, उसका सारा छीने अगले को देखे, अगला भाग गया। ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स ना बहुत गहरी चल रही है यहाँ पे, इसको समझने के लिए, इसको सोचने के लिए ना बहुत हाई लेवल की मीटिंग करवाओ। ये सोच लो, एक मादीपुर एक सादीपुर के अंदर, अगर आप बलजीत के नगर के अंदर में आप 10 बजे के 12 बजे के बाद ऑटो कोई भी बुक कर रहे हो ना, आने के लिए इस देश इसके अंदर में आने के लिए राजी नहीं, तैयार नहीं होगा, वो तैयार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसको अपने जान की परवाह भाई, अपनी जान की परवाह है ना, तो ये क्यों खौफ है, ये खौफ हटवाओ ना, ये खौफ हटवाओ, क्यों नहीं है? अब ये खौफ कैसे हटेगा अगर बोलेगा नहीं जनता, तो जनता बोलेगी नहीं भैया, जनता बोल रही है। इतने क्या कहना चाहेंगे भैया? ऐसा है, मेरी उम्र हो गई है 70 साल, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हिसाब किताब नहीं देखा जो आज हो रहा है, इतने लूटमार, इतना क्राइम, कोई कहने की हद नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनवाई करते हैं, सब
धंधा चौपट है, एटीएम से पैसे क्या लगता है आपको कि अब कौन करेगा? अगर पुलिस भी नहीं करेगी तो अब कौन करेगा? कोई भी नहीं, रिश्वत चलेगी बस वही करेगी और कुछ नहीं। हाँ। और कुछ बस हाँ। इसके अलावा कोई कुछ नहीं, कोई सब बिके हुए हैं। जान की कीमत, जिसने सप्लायर से ज्यादा पैसे दिए उसकी सुनवाई ज्यादा है। ये आप नशा बंद करवाने के लिए पैसे दीजिए और वो नशा चालू रखने के लिए पैसा देंगे, बस उसने ज्यादा दे दिया तो नशा चलता है, बिल्कुल चलता रहेगा, उसने अपना घर परिवार चलाना है। लेडीज भी कुछ कहना चाहती है? हाँ, हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम लोग एक बारी उन महिलाओं से भी जरूर जानेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा जो वक्त है, पूरा जो समाज है एक महिला के ऊपर में अटका हुआ है। मैं हकीकत में बताऊँ, ये महिला बैग टांगी हुई है, ये बैग मत समझिए, इसको बैग मत समझिए, ये अपनी इज्जत को टांग करके चलती हैं इसके ऊपर में। क्यों मैं बता देता हूं, क्योंकि जब ये अपने घर से निकलती है ना 9 बजे कि मैं फैक्ट्री जाऊंगी, लेकिन शाम को जब इनके बच्चे होते हैं ना जो इंतजार करते हैं घर के अंदर में कि मेरी मम्मी वो रेलवे फाटक पार करेगी, अरे रेलवे फाटक पार करेगी कहीं मेरी मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको डर है, क्योंकि ये महिला है। अरे पुरुष तो एक बारी लड़ भी लेगा, दो बारी लड़ लेगा, लेकिन आज हथियार के अंदर में जब हथियार कोई उठा लेता है और जब सामने हथियार रहता है ना तो सब जो हिचड़ी होती है ना सब पीछे हट जाती है। लेकिन एक महिला कितना अपनी जान को जोखिम में लेकर के रेलवे का फाटक पार करती हैं और काम पर जाती है 9 बजे और अपनी हाजिरी पूरी करके जब वो 8-8:30 बजे आती है, जब अपने घर में जब आती है ना, तब उन बच्चों को जाकर के पूछिए, इनके बच्चों से जाकर के पूछिए कि इनके बच्चों की स्थिति उस समय होती है कि मेरी मम्मी आ गई हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर ना बहुत खुशनुमा एक चेहरा हो जाता है कि मेरी मम्मी आ गई हैं। आप एक महिला हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 20। आपकी 20 साल की उम्र है और आप काम कर रहे हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों की सुरक्षा का मामला लेकर के अगर बोला जाए? लड़कियों को तो सुविधा मिलनी चाहिए सारी, जैसे कि यहाँ पे छीना छीनी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आए दिन बहुत सारे केसेस देखा जा रहा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तो उनके लिए उनको हमारी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे तो मतलब बहुत सारी महिलाएं उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिल रही है, वो अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकती इस चीज़ से, क्योंकि हमारे जो समाज में लोग हैं वो हमें निकलने ही नहीं दे रहे देखा जाए तो, क्योंकि उनकी वजह से हम बाहर नहीं जाते। लड़कियाँ बहुत एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, मगर वो इसलिए घर में बैठ जाती है क्योंकि उनके साथ उन्हें ये डर रहता है कि रेप हो रहा है आजकल, और इन लोगों की वजह से लोग ये नहीं देख रहे हमारे घर में माँ बहन सारे हैं, मगर वो दूसरों की माँ बहन को उनकी इज्जत नहीं करना जानते। बट हमें ये चाहना है कि हमारी जो समाज में लोग हैं वो हमारा सपोर्ट दे और उससे लड़े, कि उससे लड़ना चाहे कि जो लड़कियाँ उनको सुविधा मिली और सुविधा मिले सारी, कि ताकि वो 2 बजे तक अगर बाहर जा रही है तो घर में कोई प्रॉब्लम ना, उनके साथ सारे लोग शामिल रहे, जो बस इतना ही बोलना चाहती। देखिए ये बहुत बहादुरी की बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर बोल करके मैं झंडा गाड़ करके जाऊँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों से, ये महिला है और 20 साल की इसकी उम्र है, अगर ये मान लीजिए अगर जिस तरीके से रेलवे फाटक को पार करके जब आती हैं तो इनके दिल के ऊपर में उस रेलवे फाटक से लेकर के और जब तक लोग इनको नजर नहीं आ जाते तब तक इनके दिल के ऊपर में क्या गुजरती होगी? यहाँ के लोग इतने घूर घूर के देखते हैं, अगर कोई थोड़ा सा तैयार होकर चला गया तो उनके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे लगता है पता नहीं क्या है, उनको आँख फाड़ फाड़ के देखेंगे, तो इन सब से थोड़ा सा सुविधा हमें मिलनी चाहिए, थोड़ा सा प्रशासन को बोलिए और जो भी है पुलिस, जब तक यहाँ मर्डर हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है यहाँ पे, जबकि सारा कांड खत्म हो चुका होता है। अब ये और देखिए सवाल देखिए, अगर यही अगर बीट अगर होता, अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल के छोटे छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, बस यही सब चल रहा है, तो इन्हीं सब से सुविधा दीजिए, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ये काम ना करे, कहीं ना कहीं कानून जो है कड़क होने चाहिए। हाँ, कानून कहीं ना कहीं कड़क हो, और जो अभी चल रहा है छोड़ दिया जा रहा है बच्चों को, नाबालिग बोला जा रहा है, ये सब से कुछ नहीं होता, बच्चे गलती कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नाबालिगों को 2 से 3 महीने के अंदर में छोड़ दिया जाता है, चाहे वो चाकू मार दे, लेकिन जिसके परिवार के अंदर में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके अंदर में एक व्यक्ति मत समझिए कि एक व्यक्ति चला गया उसका पूरा परिवार जो है वो रोड पर आ जाता है, बिगड़ जाता है। आप समझने की कोशिश तो कीजिए, आप अपने ऊपर लेकर के सोचिए कि आपकी बहन बेटी और आपके भाई के साथ में अगर इस तरीके से अगर हो जाए कोई वारदात तो आपके ऊपर में क्या गुजरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। ये भाई है, अब सोचो ये ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, इसको नशे की इतनी लत है कि ये भीड़ में पुलिस को देखते हुए यहाँ नशा खरीदने आया, बात करो आप इससे। मैं तो भीड़ देख के यहाँ पर खड़ा हो गया। भीड़ देख करके खड़े हो गए, आप नशा करते हैं? जी कहाँ था नशा मिलता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर कहीं गली में मिलता है, लड़का ला के देता है, लड़का ला करके देता है, बाइक मिला के देता है।
सात गली का नाम बताओ। ये सात नंबर गली है और यहाँ प्रेम नगर की हर गली में बिकता है। प्रेम नगर गली नंबर 7, 8, 9, 10, 15, 19 कोई गली ऐसी नहीं जिसमें नशा नहीं बिकता। मोची बैठता है ना, मोची के पास आके दे देता है। मोची भी जो है वो उसके पास में देके चले जाते हैं कि आप यहाँ से ले लो। 100 रुपये 50 रुपये में दे के जाता है। वो 100 रुपये का हम लेते हैं तो अपना दिन भर हमारा चल जाता है। अब मैं कितना बताऊँ, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तो बोलेंगे ना, आप तो बोलेंगे, अरे पत्रकार बंधु साहब आप तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता नहीं, मैं सच्चाई बोलता हूँ। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई साहब? नहीं नहीं, अरे सही 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 बोल रहे। ये मेरा घर 8 नंबर गली में है, पूरा हमारा परिवार बिगड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, नशे के चक्कर में? नशे के चक्कर आपका पूरा परिवार? कौन कौन बिगड़ा होगा आपके घर? कौन कौन लेता है? मेरे से कोई बिगड़ा नहीं है, मेरा बेटा है एक, वो बिगड़ा हुआ है। वो भी नशा ले रहा है? नशा उसके संगतियाँ हैं वो ले रहे हैं, बाकी हम उसके बाप हैं। हमें मार के भगा दिया गया घर से, घर में हम रहने रहे हैं, हमें मार के भगाया गया वहाँ से। मैं रहने के काबिल नहीं हूँ, जब भी जाता हूँ तो मुझे मारा जाता है, मुझे वहाँ से भगाया जाता है, यहाँ मत रहो। अब आप देखिए, ये बाप की पीड़ा है, ये बाप की पीड़ा है ये। अभी 8 नंबर की बात है, ले चलो मौके पर दिखाता हूँ आपको। 8 नंबर गली में आप? 8 नंबर गली में। प्रवासी मजदूर है बेचारे, अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ दिल्ली में काम धंधा करने के लिए, दिल्ली में काम धंधा करने के लिए आए हैं कि जी चलो हम काम धंधा करेंगे, 4 पैसे अच्छे मिलेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे। जो जीवन, जिस जीवन की आशा ये रख के बैठे हैं, जो आशा इनकी पूरी नहीं हुई, ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को दें। लेकिन अब बताओ, ऐसे बंदों को मारा पीटा जाए, नशा करके लूटा जाए। एक बंदा जो बेचारा शाम को अपनी तनख्वाह लेके वहाँ से अपने घर जा रहा है, उसको पकड़ के, अब ये बंदा है, अब इसको 2 बंदे पकड़ के लूट ले, ये क्या कर सकता है? प्रवासी है बस, सिर्फ इसी चीज का फायदा। देखिए आपके सामने सारी चीजें जो है वो बिल्कुल तत्काल खुल चुकी है, बिल्कुल वाइट पन्ने की तरह। इसके अंदर में कहीं भी ऐसा नहीं है जो संदेह आ जाए। आखिर में सर, आप ये एक एक ये पिता है, उस मकान में क्या हो रहा है? हमें मारा जा रहा, बाकायदे मुझे घर में कोई जगह नहीं है हमारी। सर क्या करिए आप बताइए। हाँ, ये कोई जगह नहीं है हमारी। अच्छा, बेटा है हमारी, वाइफ है, बच्चे हैं, हर वहाँ परिवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही तो बात है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। सर मैं लड़ना जानता हूँ, मुझे लड़ना, आप लड़ोगे? मैं अपने बच्चों के लिए लड़ जाऊंगा। हर आदमी, ये हर आदमी की जिम्मेवारी है, कम से कम अपने लिए लड़ना सीखो। कम से कम अपने लिए लड़ना सीखो। आज आप मेरे भरोसे, प्रशासन के भरोसे, पुलिस के भरोसे अपनी जीवन, अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते। आज आप अपने परिवार के साथ घर में रहते हो, आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। अगर आपके घर पे कोई बंदा हमला करे, आपकी बहन को छेड़े, आपकी बेटी के साथ बदतमीजी करे, तो क्या आप उसके लिए नहीं लड़ोगे? तो जब आपको सड़क पे लूटा जाता है, तब आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ते? आपका डर, भाई साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। और ये ताली होना चाहिए इसलिए कि जब हम बॉर्डर पर खड़े होते हैं, उस फौजी, जो फौजी भाई जो खड़े होते हैं ना, वो हमारे लिए खड़े होते हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, वो हमारी माँ की रक्षा करते हैं, जिस देश के अंदर में हम रहते हैं। और वही घर के अंदर में जब हमारी बहन बेटियों, माँ और भाइयों के लिए जब उनके ऊपर अगर अत्याचार होगा, तो आप ये बताइए कि आपको लड़ना पड़ेगा या नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना जरूर पड़ेगा, बिल्कुल। आप लोगों का डर इन लोगों की ताकत बनती है, आप इनकी ताकत को बढ़ावा मत दो। आप अपने लिए लड़ोगे तो प्रशासन भी आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका डर सिर्फ इतना सा है कि अगर हम लड़ेंगे तो पुलिस आपको परेशान करेगी। चोर हो, लुटेरे हो, क्यों डरते हो, क्यों परेशान करेगी? नहीं है, पर ये है कि अकेले, इनका डर सिर्फ इतना है, प्रवासी हैं, कमाने आए हैं, दिहाड़ी का 400 से 500 रुपए कमाते हैं। अगर प्रशासन के चक्रों में पड़ेंगे तो ये उस 400 से भी जाएंगे, ये 500 से भी जाएंगे, और घर पे क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे? ये हमारे भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, एक मिनट चाचा जी। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल नाम है सर। अनिल जी, क्या बता रहे थे आप? सर मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा फाटक के बिल्कुल कोने वाला घर है। हम तीन भाई हैं, हम तीनों भाइयों के पास गाड़ी है, हम फील्ड का जॉब करते हैं। हम एक दिन आए, रात में अपनी गाड़ी लगाए तीनों, रात के ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 बज रहा होगा,
एक से दो बज रहा होगा, हमने मतलब हम सोए हुए नहीं थे, हम जगे हुए रहते हैं, एक से दो बजे तक जगे रहते हैं, पर हमारी दो गाड़ी पहले ना गायब हो गई। अच्छा। फिर हमारी दो तीसरी गाड़ी जब स्टार्ट हुई और थोड़ी सी आगे बढ़ी ना, तो हमारी एकदम से ऐसे लगा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी एक गाड़ी ऐसी है जो स्टार्ट होती है तो पता चल जाती है। तो उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई, बंदा बच्चा ले गया, और ज्यादा उम्र का नहीं, मानोगे नहीं, छोटे से, ये जितना है ना इसके जितना बच्चा एक गाड़ी लेके, चौदह पंद्रह साल की उम्र की, और उसके साथ में कम से कम चार पांच लड़के थे, दो तीन लड़के थे, ज्यादा दूर नहीं, फाटक के कोने, इस फाटक से उस फाटक तक लेके गाड़ी गए। और जब हमारी तीसरी गाड़ी गायब हुई, तो हमने उसको आगे जाके रोक लिया, क्योंकि हमें पता लग गया था हमारी गाड़ी। पर उस बंदे को जब रोका ना, तो चौदह पंद्रह साल की उम्र का था उस बंदे ने, फिर हमारी दोनों गाड़ी ले जाके चार गली आगे खड़ी कर रखी थी, तीसरी गाड़ी तो हमें एंड टू एंड मिल गई। और जब तक हमने उस बंदे को पकड़ के रखा था, जो छोटा सा बच्चा था, उसको पकड़ के रखा, पुलिस को बुलाया, पुलिस इतनी देर में आई कि जब तक ना वो हमारे को चकमा दे के भाग गया। मतलब ये है आज के पुलिस का टाइम, कि हमने उसको कम से कम आधे से एक घंटा बैठा के रख रखा था, उतनी देर में पुलिस आई, जितनी देर में वो भाग गया हमसे छूट के। और बाद में फिर आपकी गाड़ी, वो गाड़ी हमारे को, गाड़ी का उस बच्चे ने खुद बताया, उसने बताया कि भैया मैं आपकी गाड़ी दिला दूंगा, आप मुझे छोड़ देना भैया, आप मुझे गाड़ी दिला दे, मैं आपकी गाड़ी दिला दूंगा, आप मुझे छोड़ देना। वो हमें लेके गया दो गली आगे, उसने हमारी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, गली में खड़ी कर रखी थी, फिर उसने हमारी गाड़ी दिलवाई, तीसरी दोनों गाड़ी मिल गई। जब तक पुलिस आई, पर वो छूट गया बच्चा हमसे, मतलब हमने उसको बैठा रखा था, होता कि हमारी नज़र राइट साइड में हुई, वो भाग गया। उतनी देर में पुलिस आई, हमें ही उल्टा बोलने लगी कि तुम मतलब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पकड़ के रखा, सर आपको एक घंटे पहले कॉल कर रखा है, आप आ रहे हो, जो काम करना चाहिए था पुलिस अधिकारी को, वो आपके ऊपर, हाँ वो हम पे छोड़ के चले गए कि तुमने पकड़ के क्यों नहीं रखा था। अरे एक घंटे से पकड़ के रखा था, आप आओ तो सही, आ रखे हैं उधर, हमने बताया साहब की फाटक के कौन वहाँ पे आके बैठे हुए हैं, वहाँ से हमें उनको लेके आना पड़ रहा है, उनको यहाँ की लोकेशन नहीं, देर में तो उतनी देर के अंदर में तो सारा कांड खत्म। देखिए ये सबसे बड़ी लापरवाही है, सामने आप प्रशासन की लापरवाही जो सामने देखते हैं, 15 साल का लड़का सिर्फ, और उसके पास चाबी है कि मतलब कि सारी गाड़ियां खोल सकता है, कोई सी भी गाड़ी हो वो लोग खोल लेते हैं, मतलब उसके मास्टर चाबी थी, हाँ हैंडल लॉक खोल लेते हैं वो लोग। भाई अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो 12 नंबर फर्स्ट लॉकडाउन में जो मर्डर हुआ था, उसके बाद में आज तक कोई भी अगर यहाँ कांड हो जाए, या एक घंटा पहले आ ही नहीं सकती, वो कभी भी आ ही नहीं सकती, लेट ही आएगी, क्यों, बहुत हाई लेवल के चलता है, 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद ना कोई ऑटो वाला अगर मेट्रो से यहाँ अगर नाम बता दो इस गली के अंदर ले आए, तो नाम बता देना, नाम बता देना, कोई नहीं आने वाला है, बता दो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आधी रात को कोई आ रहा है तो बता दो, ये देखिए भाई साहब जी रे, ये डर डर है, डर डर नाम की जो चीज है ना, जो डर नाम की चीज है वो हर जगह फैली पड़ी हुई है, कि बलजीत नगर के अंदर में घुसना ही नहीं है, प्रेम नगर जाना ही नहीं है, नेहरू नगर जाना ही नहीं है, अगर किसी बहन बेटी को अगर 11-12 बजे आना होगा ना, तो वो नहीं आएंगे इस रास्ते, मार देंगे। ये देखिए, ये उनको पता है, वो ऑटो वाले हैं, वो फील्ड में चलते हैं, उनको पता है सही गलत कौन है कैसा है, वो एरिया देख के पता चल जाता है उनको, अगले के साथ हुआ है, अगला ऑटो वाला बोला भाई उस एरिया में मत जाना, नया हो कोई भी हो पुराना भी हो भाई, रात में अगर 11 बजे 12 बजे आ रहे हो नहीं आएगा, आप 100 200 नहीं 500 दोगे नहीं आएगा, भैया पैसा रख लो, कल का मैं जिंदा रहूंगा तो मैं अपने परिवार को खिला सकता हूँ, ठीक है, आपको आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप कुछ नहीं, आप पुलिस वाले को सिविल वर्दी में बोल दीजिए कि रात को मोती नगर से ऑटो करके प्रेम नगर में आ जाए, उसको तक बैठा के नहीं लाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस वर्दी, पुलिस के अलावा को ना, पुलिस के अलावा अगर किसी को भी बैठा ले, यहाँ पे लाएगा नहीं, प्रेम नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर का नाम ले दे, बाइक वाले को, ऑटो वाले को, कार वाले, वो बंदा नहीं लेके आएगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे सिविल वर्दी में पुलिस भी होगी, उसको भी नहीं लाएंगे, क्योंकि उसको नाम से ही खौफ है। ये बहुत हाई लेवल की वो चल रही है, इनको कोई हटा नहीं सकता, इनको इस पूरी खबर को लेकर के आप लोगों का क्या क्या होगा कहना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जनता तक ये आवाज़ पहुँच सके, उन लोगों तक, उस प्रशासन अधिकारी तक आवाज़ पहुँच सके, कि यहाँ की जनता किस तरीके से डर के साय में जी रही है, क्या डर के साय में जीना इस आज़ादी के अंदर क्या सही है, ये आप खुद समझ सकते हैं, क्या लोग आज़ाद हैं अपने घरों से निकलने के बाद या नहीं, जब लोग घर में सुरक्षित नहीं तो घर से बाहर क्या सुरक्षित होंगे, ये सबसे बड़ा अब सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए।